इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो या दुनिया का कोई भी दूसरा देश, हर तरफ बस एक ही नाम की गूंज चल रही है, वो है सूर्या सूर्या। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त पूरे विश्व में सिर्फ सूर्य कुमार यादव का ही नाम हर तरफ छाया हुआ है। जैसे सूर्य पूरी दुनिया में छा जाता है, वैसे ही सूर्या भी पूरी दुनिया में छाए जा रहे हैं। अगर आप एक भारतीय हैं तो ये जानकर आपको बेहद ही खुशी होगी कि सूर्य कुमार इन दिनों अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विश्व भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे हैं, इसकी असली वजह है एक बयान जो कि आज अभी कुछ घंटों पहले आया है। वो ये है कि टीम आरसीबी के हरफनमौला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए दिल खोल के एक बड़ा बयान दिया है। ये सनसनी फैलाने वाला बयान दिया है जिसको जानकर आपको धक्का सा लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। आपको बता दें कि आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उनका ये बयान भारत के 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव से जुड़ा हुआ है। दरअसल यादव ने 20 नवंबर को बे ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाते हुए अपना दूसरा टी20 शतक जड़ दिया। उनकी मात्र 51 गेंदों में नाबाद 111 रनों की पारी ने भारत को 65 रनों से जीत दिलाई, जिसे देखने के बाद मैक्सवेल ने द ग्रेट क्रिकेटर पॉडकास्ट पर सूर्य के लिए दिल खोल के तारीफों के पुल बांध दिए हैं। आपको बता दें कि जब मैक्सवेल से पूछा गया कि क्या आप बिग बैश लीग में सूर्य कुमार को खरीदना चाहेंगे, जिस पर ग्लेन मैक्सवेल ने हंसते हुए कहा, हम बिग बैश लीग में सूर्य कुमार यादव का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, भले ही हमारे पास कितना भी पैसा हो, उन्हें खरीदने के लिए हमारी औकात ही नहीं है, या ये सोचने के लिए भी, हमें उनको खरीदने के लिए सभी को बाहर करना पड़ेगा, तब जाकर पैसा बचता है, शायद उन्हें खरीद सके हम, तब भी शायद हम नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि टीम इंडिया का भी हर बल्लेबाज अब सूर्य की तरह ही बनना चाहता है, जिस पर ईशान किशन ने खुद सूर्य कुमार यादव पर बयान दिया है। ईशान ने कहा कि वो जब बैटिंग करते हैं तो उन पर कोई भूत सवार हो जाता है और वो अपनी लाइन एकदम आसान खुद बना लेते हैं। इन सब बयानों के बीच आपको एक और बयान बता दें जो कि एक महान बल्लेबाज का है, वो खतरनाक खिलाड़ी रॉस टेलर हैं, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव को रोकने की तरकीब बताई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रॉस टेलर ने सूर्य को आउट करने के लिए ट्रिक बताते हुए ये कहा है कि जितना हो सके दूसरे बल्लेबाजों को गेंदबाजी करो, वो भी इंसान है और गलतियां करेंगे, लेकिन जब आपके पास 50-50% चांस हो तो फिर उसे लेना ही पड़ता है। रॉस टेलर साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि सूर्या को कम से कम स्ट्राइक पर रखो, जब उन्हें कम स्ट्राइक मिलेगी तो वो गलती करेंगे और आउट होने का चांस देंगे। दोस्तों, तो ऐसे न्यूजीलैंड हो या फिर इंग्लैंड, चाहे दुनिया का कोई भी और देश क्यों ना हो, हर तरफ सूर्या की ही चर्चाएं चल रही हैं और सबके अंदर सूर्या का खौफ आ चुका है। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी और आप सूर्या को कैसा खिलाड़ी मानते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।